नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। और लगातार संसद में अध्यादेश को लेकर हंगामा यहां पर मचा हुआ है और अब यहां पर दलील पर दलील दी जा रही हैं और क्लियर किया जा रहा है कि अध्यादेश आखिर क्यों लाया जाए और इस अध्यादेश का क्या मतलब होता है। और यहां पर अमित शाह लगातार जो है इस अध्यादेश को लेकर बात करते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी बात यहां पे रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर अधिकार लाने का हक जो है वह उनका बनता है और वो दिल्ली में जो है कई सारे अधिकारों के तहत वहां पर दिल्ली की कई सारी कार्रवाई जो है वहां पर कर सकते हैं। और लगातार यहां पर देखा जाए तो अध्यादेश के मामले पर संसद में हंगामा है। यहां पे राघव चड्ढा लगातार जो है अपनी सरकार को और अपने सांसदों को डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब उन पर हावी नजर जो है आ रही है। और अध्यादेश के मामले को लेकर संसद में बहुत बड़ा हंगामा यहाँ मचते हुए देखा और लगातार देखा कि किस तरीके से यह हंगामा जो है अब और भी बड़ा रूप यहां पर लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब यहां पर अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि अध्यादेश को लेकर कैसे बहस करनी है और क्या यहां पर होना है। आपको बता दें, जब से अध्यादेश का मामला हुआ है तभी से ही यहां पर केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं और इस पूरे अध्यादेश के विरोध को लेकर अरविंद केजरीवाल राज्य दर राज्य घूमे और सबसे यहां समर्थन जुटाया और इंडिया अलायंस के सांसद भी अब यहां पर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर सबने यहां पर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर सपोर्ट करा और अध्यादेश के खिलाफ विरोध जताते हुए नजर आए। आपको बता दें, पहले से ही यहां पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह निलंबित हैं तो अध्यादेश पर जो है यहां बोल नहीं पाए, लेकिन राघव चड्ढा लगातार अध्यादेश को लेकर भाजपा पर आक्रामक रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कार्रवाई अब 2 बजे के बाद हुई है उसमें ये निकल के आया है कि अभी जो है यहाँ पर जो दलील यहाँ पर अमित शाह ने दी है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई भी अधिकार लाने का कानून लाने का हक यहाँ पर केंद्र को है, केंद्र शासित प्रदेश जो है पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर जो है दिल्ली को नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ इस तरफ कहती है कि कुछ चीज़ों को छोड़कर जो है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यहाँ पर जो पूरी जिम्मेदारी और पूरा कंट्रोल जो है दिल्ली सरकार को दिया जाता है और ये फैसला आने के बाद भी अध्यादेश लाकर सारी पावर एलजी को शिफ्ट यहां पर कर दी जाती है और अब वही बहस संसद में चल रही है। और इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर थे, लेकिन अब सड़क से लेकर संसद तक एक ही मामला गूंज रहा है, अध्यादेश। आखिर ये अध्यादेश का मामला अब देखना होगा कि संसद में और कितनी देर चलता है और कब तक इस संसद में अध्यादेश को लेकर बहस यहां पर होती है, जहां पे बीजेपी का प्लान था यूसीसी पर बात हो और भी कई दूसरे कानून पर बात हो, लेकिन पहले मणिपुर और अब अध्यादेश ने पूरी तरीके से यहां पर बीजेपी को घेर लिया है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।